आप सबको पता है इस बार हम एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। बीजेपी ने अपने सभी जोन चेयरमैनों के नामों का ऐलान कर दिया है। बात नरेला की करें तो नरेला जोन में चुनाव होना तय है। यहाँ पर बीजेपी के 13 और बाकी अन्य जो पार्षद हैं उनकी संख्या 9 है। तो जाहिर है हर बार मुकाबला रोचक होता है और कभी कभी तो फैसला टॉस से भी हुआ है। तो इस बार क्या होने वाला है, हम ये बात करेंगे। लगभग तय माना जा रहा है कि अंजू अमन कुमार जी यहाँ से चेयरमैन होंगी पार्टी की तरफ से। तो फिलहाल तो पार्टी ने आपको नॉमिनेट किया, हम बधाई देंगे आपको अगर ये मामला बनता भी है तो। आप जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस बार नरेला जोन की जिम्मेदारी मुझे दी है। और जैसा कि आप सबको पता है इस बार हम एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के 13 निगम पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी के सिर्फ 9 निगम पार्षद हैं। तो जीत लगभग तय है और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद लड़कर इस चुनाव को जीत की तरफ लेकर जाएंगे। खबरें कुछ ऐसी भी आ रही है कि तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी और अफवाह फैलाई जा रही है कि कई काउंसलर हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं या भीतरघात हो सकता है, तो क्या देख रही हैं ऐसी स्थिति? कुछ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है, सब अपने साथ अपने पार्षदों के साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसी अफवाह वो हमेशा से फैलाते रहे हैं और अपने मकसद में वो कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस इलेक्शन को लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके काम की तारीफ आपके वार्ड में तो होती ही रहती है, महिलाओं का भी बहुत बड़ा संगठन आपने तैयार किया। अब जोन की चेयरमैन सिर्फ आपको मिलने जा रही है, लगभग तय माना जा रहा है, क्या प्राथमिकता है, क्या कुछ सोचा है? देखिए, चेयरमैन के रूप में अपने पूरे वार्ड में, क्योंकि सबसे पहले तो पूरे जोन में नॉर्थ MCD में 6 जोन है, सबसे बड़ा जोन हमारा नरेला जोन है और सबसे ज़्यादा समस्याएं भी हमारे नरेला जोन में है। सबसे पहले हम साफ़ सफाई को लेकर और जोन में जितने भी काम हैं उनको डेवलप कराएंगे। साफ़ सफाई को लेकर अपना मेन फोकस रहेगा, महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके दिए जाएंगे, यही मेरी प्रायोरिटी होगी। आपने महिलाओं को इस बार सम्मानित किया था पूरे वार्ड में हज़ारों सैकड़ों की संख्या के अंदर, कुछ नया कोई प्रोग्राम भी लेकर के आने का मन है क्या जिला जोन लेवल पे? अब क्योंकि आप जोन की चेयरमैन हैं, केवल एक वार्ड के नहीं हैं, बहुत सारे विधानसभाएं आपके क्षेत्र में आ रही हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि कोरोना काल में भी जिन महिलाओं ने पूरे जोन में जिन महिलाओं ने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उनको सम्मानित किया जाएगा। महिलाओं के लिए नई नई स्कीमें लेकर आएंगे और आत्मबल के साथ उनको, आत्मशक्ति के साथ उनको आगे बढ़ने का उन्हें मौका दिया जाएगा, यही हम पूरे जोन में करने की आगे कोशिश करेंगे। एक चुनौती अब क्योंकि चुनावी साल है आने वाले टाइम में, वार्ड को आत्मनिर्भर बनाया कैसे बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हो उसमें आम आदमी पार्टी सरकार का मुंह ना ताकना पड़े, क्या इस पे भी कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है, क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो केजरीवाल को अपनी राजनीति छोड़नी चाहिए और इतने टाइम से जो कोरोना काल में भी इतने लोगों ने अपनी जानों से हाथ धोया है उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार MCD का जो फंड है वो उन्हें वापस नहीं कर रही है, जो बकाया फंड है उसको वापस करना चाहिए। और MCD को मजबूत करने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, हमारे मेयर की तरफ से बहुत से स्टेप उठाए जा रहे हैं ताकि MCD को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और हम सब मिलकर इस अपने अपने जोन से भी आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम अपने निजी प्रयासों से भी अपने अपने क्षेत्रों में सभी निगम पार्षद अपने जो भी विकास के कार्य हैं उनको कर रहे हैं। दोनों जोनों में महिलाएं हैं, रोहिणी जोन आपसे सटा है, यहाँ भी है, लगता है कि कुछ महिलाओं के लिए और भी कुछ प्रोग्राम होंगे, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, चुनाव में नज़दीक आने वाले हैं, किस तरह से उनको उनकी भागीदारी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही महिलाओं को सम्मान देती आई है और इस बार भी उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो जोनों में महिलाओं को उतारा है और इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और महिलाएं ही दूसरी महिलाओं की समस्याओं को समझकर, उनको देखकर, उनको महसूस करके उनका समाधान ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हैं। इसी मानसिकता को अपनाते हुए, महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसीज़न लिया है। कोई आम आदमी पार्टी के लोग भी कुछ संपर्क में हैं आपके कि बीजेपी की तरफ वो झुक जाएं चुनाव में, इसमें या आने वाले टाइम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ही ऑलरेडी हमारे पास इतने पार्षद हैं तो एक भरा पूरा परिवार हमारे साथ है, तो हमें नई ज़रूरत पड़ती कि हम उनकी तरफ कोई मुख मोड़े। हमारे सारे निगम पार्षद हम लोग के साथ हैं, हम बहुमत से हैं तो हमें इस बार जीत का विश्वास हासिल होगा।
तो बिल्कुल बड़ा रोचक मुकाबला होता है नरेला जोन का। इस बार भी पूरा भरोसा है कि जीत लगभग तय है और आने वाले समय में नरेला जोन में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हों, चुनावी साल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वो जाएं और काम करें, ऐसा उनका पूरा प्रयास रहेगा। पुनीत गुप्ता के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर